हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यूज ऑफ इज एम आर के बारे में बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम यूज ऑफ इज एम आर कैसे करते हैं? पहला हम सीखेंगे यूज ऑफ इज। फर्स्ट वी लर्न अबाउट यूज ऑफ इज, वेयर वी यूज इज। सो यूज ऑफ इज, वी यूज इज विथ ही, शी, इट और व्हेन वी स्पीक अबाउट और राइट अबाउट वन पर्सन और थिंग। जब हम एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बात करते हैं, मीन सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, वी यूज इज विद देम। He, she, it. We use with these pronouns when we talk about the one person. He, she, it. We use with he, she, it or with the singular noun. ठीक है? तो is हम किसके साथ use करते हैं? He के साथ, she के साथ, it के साथ, या तो फिर singular noun के साथ. Let's see some examples so it will be more clear to you all. See some examples. First example, he is a man. So we use is with a he. He is a man. We are talking about only one man. Okay. So here we are using only one singular noun. We are only talking about one man. That is one. He is a man. He is my uncle. He is uncle. My uncle means singular noun. He is my uncle. Now the next example, she. She is a woman. She is my aunt. Rocky. Rocky is the name of a dog. We are talking about a singular animal. Single animal, that is a singular noun. Rocky is their pet dog. Rocky unka pet dog hai. Next, it is a good dog. It is a good dog. I have told you earlier that he, she, it. We use is with he, she, it. Or when we speak or write about one person, thing or animal means singular noun. So, Nidhi. Nidhi is a single girl. We are talking about a one girl and her name is Nidhi. Nidhi is a little girl. She is my cousin. She is my cousin. So, I think it is clear to you all. We use is with he, she, it. और विद सिंगुलर नाउन हम इस किसके साथ यूज करते हैं? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा यूज ऑफ इज था। ऑलवेज रिमेंबर, वी यूज इज विद ही, शी, इट और विद सिंगुलर नाउन। सो नाउ कम ऑन द यूज ऑफ एम। यूज ऑफ एम, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलवेज यूज एम विद आई। किसके साथ यूज करते हम एम? हमेशा आई के साथ यूज करते। वी ऑलवेज यूज एम विद आई। नाउ कम ऑन द एग्जाम्पल, आई एम रिया। वी यूज एम विद ऑलवेज विद आई। वी ऑलवेज यूज एम विद आई। हम हमेशा एम आई के साथ यूज करते हैं। आई एम रिया। आई एम अ गर्ल। आई एम 5 years old। I am in grade 1. I am a good student. So, we use am with I. We use am with I. Now, the next is use of are. We use are with we, you, they or a plural noun. हम जो are use करते हैं, हम you के साथ use करते हैं, दे के साथ यूज करते हैं, वी के साथ यूज करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम आर यूज करते हैं, और जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो हम इज यूज करते हैं, और जब हम अपने लिए बात करते हैं तो हम एम यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वी आर गुड फ्रेंड्स। हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर। ठीक है, You are a smart girl. तुम, तो यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है, तो यहाँ पे कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन।
फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, यू आर अ स्मार्ट गर्ल. द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, द चिल्ड्रेन इज अ प्लूरल नाउन, चिल्ड्रेन इज अ प्लूरल नाउन. तो हमने क्या यूज किया, आर. द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, दे आर रिच, वो लोग अमीर है, वो लोग. तो यहाँ पे कई सारे लोगों के बारे में बात हो गई है, तो वो लोग, दे आर. थर्ड, राम एंड मोहन, यहाँ पे दो पर्सन हो गए, एक राम और एक मोहन. तो राम एंड मोहन आर ब्रदर्स. यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करते राम, तो सिर्फ राम रहता, इज होता, ठीक है. अगर हम मोहन के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे तो मोहन इज होता, ठीक है. यहाँ पे हम राम एंड मोहन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आर यूज किया है. सो वी यूज आर विथ वी, यू, दे और अ प्लूरल नाउन. जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, वी यूज आर. नाउ थ्रू दिस टेबल आई विल एक्सप्लेन यू अगेन द यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है. यहाँ पे हमने एम लिख दिया, इज लिख दिया, आर लिख दिया, एंड देयर इट इज फीलिंग कोल्ड. अब हमें कैसे यूज करना है वो हम बता रहे हैं. आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम. आई एम फीलिंग कोल्ड, तो आई के साथ हमने क्या यूज किया, एम. आई एम फीलिंग कोल्ड. नाउ इज हम किसके साथ यूज करेंगे, ही इज फीलिंग कोल्ड, ही इज फीलिंग कोल्ड, शी इज फीलिंग कोल्ड, इट is feeling cold, Yash is feeling cold, Priya is feeling cold. तो यहाँ पे देखा, जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम is use कर रहे हैं, he, क्योंकि आपको मालूम है हम जब एक लड़के को denote करते, एक लड़के या male के बारे में बात करते, तो हम we use he for male. अगर हम female के बारे में बात कर रहे होते, we use she. It हम thing या animal के लिए use करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे Yash is a single boy name. ओके, एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं और प्रिया हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब भी हम किसी एक पर्सन या सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम इज यूज करते हैं. नाउ कम ऑन आर, वी आर फीलिंग कोल्ड, यू आर फीलिंग कोल्ड, दे आर फीलिंग कोल्ड, द चिल्ड्रेन आर फीलिंग कोल्ड, द गर्ल्स आर फीलिंग कोल्ड. यहाँ पे आपने देखा है, जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, वी मीन्स हम, You means तुम, they means वो, the children means कई सारे बच्चे, the girls means कई सारी लड़कियां. तो यहाँ पे हम एक से ज्यादा person या plural noun के बारे में बात करते हैं तो हम are use करते हैं. तो clear हो गया, we use am with I, is with he, she, it and singular noun, और are आपका You, we, they and plural noun के साथ यूज़ करते हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.